आउटलुक यहाँ अपनाना चाहिए। चलिए आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज, जहाँ इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी या फिर बिकवाली की रणनीति बनाकर आप चल सकते हैं, वो क्या है वो आपको बताते हैं। शुरुआत क्वांटिफाई की राय से करते हैं। दो कॉल्स हैं खरीदारी की उनकी तरफ से। ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय है और साथ ही कोटक बैंक। बैंक एंड फाइनेंशियल्स में देखिए अच्छा एक्शन दिख रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं उसका एक मूवमेंट, पॉजिटिव आउटलुक। चाहे फिर बड़े दिग्गज बैंक हो या फिर छोटे मझौले बैंकिंग प्लेस में, अगर मिड कैप बैंकिंग स्पेस भी अगर देखेंगे वहां पर भी एक्शन पिछले दिनों हमने दिखाया है। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो हो या फिर एनपीएस का लगातार कम होना हो, काफी पॉजिटिव साबित हो रहा है। इसी के चलते सारे के सारे ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर हैं। क्वांटिफाई का भी मानना है कि कोटक बैंक में यहां पर पॉजिटिविटी और बरकरार रहेगी। 1800 तक के टारगेट 1780 की क्लोजिंग हम देख चुके हैं। 1770 का स्टॉप लॉस बनाएं और यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया खरीदारी के मौके यहां पर भी ढूंढे जाएं। 4700 तक के टारगेट्स को मानकर चलें, 4580 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एफएमसीजी प्ले भी है जो कि लगातार वॉलेटाइल मार्केट्स में बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और इसी के चलते कुछ चुनिंदा स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया आपके फोकस रेडार पर होने चाहिए। निर्मल बैंक की तरफ से दो कॉल्स हैं खरीदारी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर और साथ ही मारुति। यहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। एचयूएल 2705 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2608 का स्टॉप लॉस। वहीं मारुति में 9150 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। अंत में मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल प्लेस पर खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं। ऑटो सेक्टर भी एक सेक्टर रहा है जो कि पॉजिटिव ड्यूरिंग द मार्केट हमने देखा, ड्यूरिंग द वॉलेटाइल वीक हमने देखा। M&M 1450 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 1360 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और सीमेंस में 3150 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की जा सकती है, 2970 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो ये सारे के सारे ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए और सारे के सारे खरीदारी की तरफ। चलिए आज नजर कमोडिटी मार्केट्स पर। अपनी स्ट्रेटजी लेकर हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि द्योरा अब जुड़ गए हैं। रवि गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका इटिना स्वदेश पर। बुलियन मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हमने देखा कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट्स पर हम करीब गिरावट के साथ ट्रेड देख चुके हैं। सोने चांदी की चाल अगर देखें, इनफैक्ट पर्टिकुलरली गोल्ड में, चाहे फिर ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो या फिर डोमेस्टिक, गिरावट के साथ कामकाज नजर आ रहे हैं। आपकी राय यहाँ से क्या होगी, क्या और ज्यादा गिरावट गहराएगी? हाँ जरूर से लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इन पर्टिकुलर जो थोड़ा बहुत लास्ट वीक का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन है, तो लग रहा है हायर लेवल से प्रेशर बना रहेगा। हालांकि जो लास्ट वीक में जो गिरावट थी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट थी, शायद लग रहा है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के साथ आज का ओपनिंग हो, और ओपनिंग के बाद अगर 56,800 के करीब मिल जाता तो एक बार सेल करके चल सकते हैं 56,200 के टारगेट के लिए। 56,940 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि सिल्वर में थोड़ा वो ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 4% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 4% की गिरावट थी, तो वहां पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। बट गोल्ड में अभी भी व्यू बन रहा है कि आप सेल ऑन राइज रहे, वहां पे मुनाफा बन सकता है। एब्सोल्युटली राइट रवि, इनफैक्ट अगर कंपेयर भी करेंगे गोल्ड के मुकाबले चांदी यानी कि सिल्वर में बिकवाली भारी हावी होती हुई दिखी है। करीब 4% 2,500 रुपए तक की गिरावट हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर ट्रेड्स अवॉइड करने की राय। और गोल्ड में भी इस वक्त आप स्ट्रैटेजी आज के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल की चाल इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिसका असर है अमेरिका के अच्छे रोजगार आंकड़ों से। हमने देखा क्रूड में एक इम्पैक्ट आया है, ब्रेंट क्रूड करीब $80 के नीचे भी फिसलता हुआ दिख चुका है। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं करीब 3.5% की गिरावट, यहाँ क्या राय होगी? जरूर से लास्ट ट्रेडिंग सेशन एज वेल एज लास्ट वीक में एक भारी गिरावट क्रूड ऑयल में देखी गई थी। ओपेक की पॉलिसी अनचेंज रहे, उसके अलावा अब बात करें तो कोई ज्यादातर सपोर्ट के न्यूज नहीं है, बट उसमें भी ज्यादातर रेस्ट कर रहा है डॉलर इंडेक्स की जो तेजाई थी वो उसको रेस्ट कर रहा है। साथ में अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो कोल, नेचुरल गैस सारे के प्राइसेस गिरे थे, बट मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग वहां पे रह सकता है। थोड़ा कॉन्ट्रा जाना है क्योंकि ब्रेंट अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट 80 के करीब एंड WTI अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट 73 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है आज अगर गिरावट में 6050 के करीब क्रूड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो बाय करना है। 6000 छोटा स्टॉप लॉस रखे ऊपर, मुझे लग रहा है एक बार शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से 6200 तक के लेवल देखने चाहिए। मेटल्स में क्या राय होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अल्यूमिनियम के प्राइसेस को अगर आप देखें वॉलेटिलिटी काफी है यहाँ पर, क्या कोई सेल स्ट्रेटजी यहाँ पर इस वक्त बनती हुई दिख रही है बेस मेटल्स में? जरूर से डॉलर इंडेक्स की तेजी एज वेल एज देखे तो जो चाइना से जो भी प्ले आउट हो रहा था कि वो रीओपनिंग हो रहा, तो वो रीओपनिंग इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, उसका प्रीमियम ऑलरेडी मेटल्स प्राइस में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब जब तक डॉलर स्ट्रांग रहेगा और जिस हिसाब से US के डेटा भी स्ट्रांग है, तो लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स आगे और बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर वहां रख सकता है।
एल्यूमिनियम के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट उसमें मेरी बिक वाली की सेलर रहेगी। स्टॉप लॉस आप अपर साइड लगा सकते हैं 229, 221 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट्स में वॉलिटिलिटी और कमजोरी हर तरफ इस वक्त नजर आ रही है, चाहे फिर वो बुलियन मार्केट हो, एनर्जी पैक हो या बेस मेटल्स की चाल। तो कॉशियस आउटलुक यहाँ अपनाना चाहिए। चलिए